राजनांदगांव में नक्सल पीड़ितों ने ओवरब्रिज के नीचे धरना दिया। उनकी मांग थी कि सरकार द्वारा नक्सल पीड़ितों को विभिन्न योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया गया है, किंतु आज तक उनकी सुध ना प्रशासन ले रहा है ना सरकार। छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त करने के लिए शासन पुनर्वास योजना बनाए, योजना में ही ध्यान देना है, बाकी कोई चीज़ में ध्यान देना नहीं पड़ेगा। योजना में अगर ध्यान दे तो नक्सलवाद मुक्त हो सकता है पूरे छत्तीसगढ़ में। आंध्रा के नक्सली भग सकते हैं यहाँ से, आंध्रा के नक्सली के कोई ये नहीं है, लेकिन योजना का लाभ उन्हें नहीं दिया जा रहा है, योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है, इसलिए नक्सलवाद बढ़ रहे हैं। हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं, शहीद होना पड़ रहा है, और हमारे मुखबिर कई लोग हैं वो भी शहीद हो रहे हैं, कोई योजना का लाभ उनको भी नहीं मिल रहा है। अगर आम नागरिक को किसी ने अगर नक्सली मार दिया, अधिकारी बोलते हैं कि हमारा आदमी नहीं है, सब दर दर भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सभी को नक्सल पीड़ित पुनर्वास योजना बनाया, वैसे अगर लाभ दे दिया जाए तो नक्सल मुक्त। राजनांदगांव जिले के मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी बोरतला डोंगरगढ़ क्षेत्र से आए हुए हैं। यहाँ पे किसी के पति को, किसी के भाई को या किसी को बेटों को नक्सली द्वारा मार दिया गया है। अब कई परिवार को तो गांव से नक्सली धमकी दे के जान से मारने का भगा दिया गया है। 2004 से हम लोग को योजना बनाई है नक्सल पीड़ित पुनर्वास कार्य योजना। योजना के तहत शासकीय नौकरी, जिला मुख्यालय, मकान, आर्थिक सहायता राशि, राशन कार्ड, बस पास, छात्रवृत्ति देने का नियम, लेकिन संशोधन दिनांक के हिसाब से किसी पीड़ित परिवार को लाभ नहीं दिया जा रहा है। राशन कार्ड बनाने के लिए 10 साल लग रहा है, बस पास बनाने के लिए 10 साल लग रहा है, तो सर 10 साल से हम ऐसी भटक रहे हैं, हमारे पैसे ऐसे बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे का ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है, ये जितने परिवार है ये सबका घर द्वार छोड़ के, सबका खेत खार है, मेरा भी खेत है, छोड़ के बैठा हूँ गाँव में, यहाँ भटक रहा हूँ, मेरा घर द्वार कुछ नहीं है, कभी यहाँ सोता कभी वहाँ सोता हूँ, एक होटल चला रहा हूँ उसको भी तोड़ेंगे फोड़ेंगे बोलते हैं अधिकारी लोग। तो सर मैं नक्सल पीड़ित परिवार मेरे लिए योजना बना